प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण बिहारीपुर निकट पुलिस चौकी के पास वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, महामंत्री सुरेश अग्रवाल, पवन अरोड़ा, राजकमल भसीन, बंटी ठाकुर, मुकुल अग्रवाल आदि पदाधिकारी गण ने मास्क का वितरण कर उन्हें सावधानी बरतने को कहा और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में सहयोग करने की अपील की और कहा कि अपने अपने घरों से ना निकले और आसपास स्वच्छ वातावरण बनाकर रखे। महामंत्री प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति बरेली, सभी को मालूम है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी लापरवाही हम लोग बरतते हैं। उस लापरवाही ना हो इसके लिए हम लोग आज एक संदेश देने के लिए, जन जागरण के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी कोशिश ये है हम लोग सब दूर दूर खड़े हों और अपना संदेश दें। हम लोग बाज़ारों में दो दो के लोग निकले हैं और ये बताने निकले हैं हमें इससे कैसे बचाव करना है। और कल जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है जनता कर्फ्यू का, वो हमारे अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। मेरा सभी से निवेदन है कल सुबह 7 बजे रात के 9 बजे अपने घरों में रहें और कहीं पर किसी के संपर्क में ना आए। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। मैं राजकमल भसीन शम्मी, मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष महानगर। सर, आज इस देश में, इस पूरे विश्व में जो संकट आया हुआ वायरल कोरोना वायरस का, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कल 7 से 9 बजे तक का अघोषित कर्फ्यू किया है, तो उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और इन 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 सब बातों को देखते हुए हम प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने निर्णय लिया कि सबको मास्क पहनाया जाए और सबको सैनिटाइज करने का तरीका बताया जाए और सबको हाथ धोने का तरीका बताया जाए, जिसके अंदर हमने इस तरीके से ये अपना एक कंप्लेंट बनाया है जिसको हम सबको बांट रहे हैं और निशा निर्देश दे रहे हैं कि इस तरीके से आप लोग इसको करें। साथ में हम सबको ये समझा रहे हैं कि हाथ किस तरीके धोना है, किस किस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, किस चीज़ में दूर रहना है, किस चीज़ से क्या परेशानी है। धन्यवाद। कितने मास्क लाते हैं सर? 2000 मास्क हमने इंतजाम किया है और आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे भी हमारा काम चालू रहेगा। धन्यवाद। मास्क हमारे पूरे विश्व में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उससे भी भयंकर जो ये महामारी आई है, ये निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है। इसमें प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ चढ़कर इसके लिए प्रिकॉशन लेने चाहिए। जैसे कि कल माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी कर्फ्यू का आह्वान कराया है तो उसकी पालन करना चाहिए, और चूंकि इसके आगे और गंभीर परिणाम होने की संभावना है, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। चूंकि विश्व दूसरे विश्व युद्ध से भी गंभीर महामारी को माना गया है, क्योंकि जितना विश्व दूसरे विश्व युद्ध में जितना आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था उससे ज़्यादा इस पर खर्च हो चुका है आज की डेट तक, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। इसमें हम सबको बहुत संयम से, और कोई भी आवश्यक अनावश्यक हमको जो है कोई सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए जिससे किसी देश में इस प्रकार की मारामारी मचे। सामान बहुत है पूरे देश में, जो अन्न है अगर 5 बार भी अनाज ना कहीं से मिले तब भी 5 साल तक के अनाज की पूरी व्यवस्था देश में है। कोई चिंता ना करें, 5 साल तक के लिए अनाज देश में है और कोई इकट्ठा ना करें, इतना अनाज है, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन अपने आप को सफाई के मामले में कमज़ोर ना करें, सफाई रखें और इस महामारी से बचाव के लिए अपने को आगे बढ़ाएं। मैं नवीन अग्रवाल, अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल समिति रजिस्टर्ड बरेली।
आज आपने किस चीज़ का वितरण किया है, क्यों किया है? ऐसा है, पूरे विश्व में कोरोना वायरस के नाम से एक महामारी फैली हुई है। हिंदुस्तान में भी सेकंड चरण होकर थर्ड चरण में प्रवेश कर चुकी है और ये जो महामारी है, हमें अपने पूरे देश में इसको जो है इससे लोगों को बचाना है। इसी के उसमें आज व्यापार मंडल की तरफ से हम जो है ये मास्क और सैनिटाइज़र जो है लोगों के लगा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वायरस से बचने के लिए। कल जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, अपने अपने घरों से बिल्कुल ना निकलें, 7 बजे से 9 बजे तक अपने घर में रहें, जिससे हम इस वायरस का खात्मा कर सकें। इस राक्षस रूपी वायरस को हमें ख़त्म करना है। इसी उपलक्ष में आज हम पूरे मार्केट में, बरेली के मार्केटों में घूम रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपना मार्केट बंद रखें। प्रधानमंत्री जी की अपील है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। जय हिंद, जय व्यापार मंडल।